जब तक हम रीझ रहे हैं तब तक हम सीज नहीं सकते। रीझना किस पर? तो जो रिझाए उस पर नहीं रीझना, जो बिना रिझाए कुछ भी ना कर रहा हो, केवल शांत बैठा हो, हाथ पर हाथ रखे, जिसकी दृष्टि किसी के ऊपर भी ना जा रही हो और फिर भी अपनी दृष्टि में पूरा विश्व देख रहा हो, ऐसा कोई भगवान मिल जाए, उसके ऊपर अगर विश्वास बन जाए, तो ये सारे देवी देवताओं के चक्करों से आप ऊपर उठ जाए। ये विश्वास बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको तब सामर्थ्य आएगी कि मैं अपने चरणों में भी देवताओं को ला सकता हूं। हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, देव हमारी पूजा करेंगे। इतना विश्वास आ सकता है, इतना मन में सामर्थ्य आ सकता है। जब आ जाएगा तभी कुछ बात बनेगी। वह विश्वास ही आत्मविश्वास कहलाता है, जिसमें हमें किसी भी प्रकार के आडंबरों से, क्षुद्र देवी देवताओं के चमत्कारों से हमें रीझना नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना पड़ता है, जो किसी को रिझा ना रहा हो, शांत नासाग्र दृष्टि किए हुए, अपने हाथ पर हाथ रखे हुए, एक शांत सौम्य मुद्रा में बैठा हो, ऐसा जो भगवान हमारे सामने होगा वही हमें सब कुछ देगा, और उसी की आराधना से हम सीज पाएंगे, शुद्ध बन पाएंगे, संसार के दुखों से ऊपर उठ पाएंगे।